morning, students. How are you? Fine. Thank you, children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी रीडर पढ़ेंगे, पार्ट 12. पार्ट का नाम है चाचा छक्कर ने केले खरीदे. चाचा छक्कर ने केले खरीदे. ये हास्य कथा है. चाचा छक्कर इम्तियाज अली जी द्वारा लिखित हास्य कथा चाचा छक्कर ने केले खरीदे. पार्ट में हम लोग चाचा छक्कर ने केले खरीदे की हास्य कथा के बारे में पढ़ेंगे. प्यारे बच्चों, सामने किताब निकाल लें और ध्यानाकर्षण होकर सुने. प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो बिंदु राख लाया भी ना पाया ला भी ना पाया था, तब तक दरवाजे पर फल वाले ने आ गया था. फल वाले ने आवाज लगाई थी और उनकी आवाज सुनकर कुछ देर तक तो चाचा खामोश बैठे रहे. जब आवाज से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो जैसे बेवश हो गए. बिंदु को आवाज दी, जरा जाकर देखियो तो केले किस भाव से देता है, किस हिसाब से देता है. बिंदु ने वापस आकर बताया था छह आने दर्जन. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि प्यारे बच्चों, छह आने दर्जन तो क्या मतलब हुआ कि 24 पैसे के 12, यानी 12 दुने 24, यानी 2 पैसे का 1. उन्होंने ये तो बहुत महंगे हैं शब्दों का प्रयोग किया. जाकर चाचा छक्कर ने बिंदु से कहते जाकर बोल दो भाई कि 3 पैसे के 2 देता है तो ठीक है दे, नहीं तो जा. अब 2 मिनट बाद पुनः बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया है. फल वालों ने मान लिया है कि 3 पैसे के 2 के भाव से दे देंगे. अब फल वाले के आसानी से सहमत हो जाने पर चाचा की नियत में और फूट आ गया. चाचा छक्कर ने पुनः बिंदु से जाकर कहते हैं कि जाओ केले अभी बहुत महंगे हैं. ए बिंदु, जाकर केले वाले से बोल दो कि अभी भी बहुत महंगे हैं, कुछ और सस्ते करेंगे. तो केले वाले ने बिंदु ने बताया कि हम तो 3 आने दर्जन लेंगे, देता है तो दे, नहीं देता है तो ना दे. वह अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश. अब बिंदु पुनः असमंजस में पड़ जाता है. बिंदु असमंजस की दशा में खड़ा रहा. चाचा बोले अब जाकर कह भी तो सही, मान जाएगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो देखा जाएगा. अब बिंदु जाने से कतरा रहा था. बोला आप खुद कह दीजिए चाचा छक्कर जी, मैंने तो दाम तय करके आ गया था, आप स्वयं कह दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए, बहुत महंगी है. चाचा ने आंखें फाड़ कर बिंदु को घूरा देखा, फिर उसे समझाने लगे कि तू जाकर यूं कह, मियां ने 3 आने के दर्जन ही कहे थे, ये 3 आने के दर्जन देना है तो दे, नहीं तो जा. मैंने आकर गलत भाव कह दिया, 3 आने दर्जन देने हो तो दे, नहीं तो जा. अब बिंदु जी कड़ा करके चला गया. चाचा जानते थे कि भाव ठहरा कर मुकर जाने से, यानी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से केले वाला शोर मचाएगा. हम आप भी जब कोई चीज फल वालों से सब्जी वालों से दाम तोड़ लेते हैं और जब नहीं लेने का जिज्ञासा होता है, चाह होता है, तो उसे कहते कि भाई नहीं अभी नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि कुछ अटपटांग बातें कह करके वह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है. ऐसा हम लोग भी देखने को मिलता होगा, हम लोगों को भी मिलता होगा. तो बिंदु ने कतराकर कहा कि खुद जाकर के कह दीजिए. अब बाहर निकलना उचित नहीं था. चाचा छक्कर ने कहा कि बाहर निकलना उचित नहीं है. चाचा दबे पांव खिड़की के पास जाकर उसका पट जरा सा खोलकर, यानी खिड़की का दरवाजा खोल करके बाहर झांक कर देखने लगे. फल वाला तो एकदम आपसे बाहर हो गया था, यानी बहुत गर्म हो गया था, गुस्सा आ गया था, अटपटांग बातें बोल रहा था. आप ही तो बहुत डराया और अब आप ही जवान फिर से फिर रहे हो कि भाई नहीं चलेंगे, महंगा है. वह टोकरा उठाकर चलने लगा. फल वालों ने अपना टोकरा माथे पर डाला और आगे की ओर बढ़ने लगा. बिंदु भी अंदर आने को मुड़ा, अंदर आने लगा और दरवाजे तक पहुंच भी ना पाया था कि फल वाला बोला कितने लेने हैं. बुना बोलना शुरू कर दिया. अब बिंदु के अंदर आने से पहले ही चाचा मोढ़े पर आकर बैठ गए और बोले देखो बिंदु, मान गया ना,
यदि नहीं जाते तब तो हमें वैसी भाव से लेना पड़ता, लेकिन पुनः जब गए तो मान गया। हम कहते न थे कि मान जाएगा। हम तो इन लोगों की नश नश वाकिफ है। चाचा चक्कर ने बिंदु से कहा कि फल वालों का सब्जी वालों के तो नश नश वाकिफ है, मैं जानता हूं उनके बारे में ना। तो कह केले लेने मुनासिब होंगे। कह शब्द का अर्थ होता है कितने, और एक जो हम लोगों को उल्टी वगैरह होने लगता है उसको भी कहते हैं कह, तो मुनासिब होंगे। चाचा ने उंगलियों से गिनकर हिसाब लगाया। हम छुट्टन की माँ लल्लू दद्दू बिन्नो और छुट्टन, क्या हिसाब लगाया, समझ गया ना। हम छुट्टन की माँ लल्लू दद्दू बिन्नो और छुट्टन, कुल मिलाकर कितने हो गए, छह। कितने हो गए, छह। अब छह दुनी 12 होते हैं। हर आदमी के लिए कितने केले होंगे, 6 आदमी है 12 केले हैं, तो कितने कितने लेने पड़ेंगे जानते हो ना। 12 divisible by 6 कितने होंगे, 2 2 यानी 2 2 केले। अब फल से पेट तो भरा नहीं जाता। चाचा बिंदु से बोले जा 2 3 गुच्छे ले आ, हम खुद अच्छे अच्छे केले छांट लेंगे। अब बिंदु केले के कई गुच्छे ले आया, जिसे हम लोग हथे कहते हैं, हता। चाचा ने छांट के दर्जन भर केले अलग रख लिए। केले वाला बाकी केले लेकर बरबराता हुआ वहां से वापिस चला गया। बिंदु केले अंदर रख आया और बावर्ची खाने से राख लाकर बर्तन मांजने लगा। अब बिंदु को नौकर था, वे बाहर से फल लेकर आया, केले लेकर आया और रख दिया घर में। और चाचा छक्कन ने आंगन में बैठ करके बिंदु से अपना बर्तन साफ करवाने लगा। पुनः कहते हैं यू जरा जोर जोर से मांजो बिंदु। चाचा चक्कर ने बिंदु से कहते हैं कि जोर जोर से मांजो, हाँ, ताकि बर्तन पर रगर पड़े। अभी तो देखियो इन काले काले बर्तनों की सूरत क्या निकल आएगी। हाँ, यू बच्चे मंज गया यानी चमक गया। बिंदु से चाचा चक्कर कहते हैं कि तुम जोर जोर से मांजते हो और यो तो चमक गया। अब रगर उस पर इमली, किस पर, यानी पीतल के पात्र पर, पीतल के बर्तन पर इमली रगड़ो। ऐसा मैल किस तरह करता है, कैसी चमक आ जाती है। इस इमली बड़े काम की चीज है, इमली जो है वो बड़े काम की चीज है। मगर बिंदु मेरे भाई, उन केलों में से मेरे हिस्से के 2 केले लो या। अब बिंदु बर्तन भी मांज रहा है, साफ कर रहा है, और चचा चक चक्कन का ध्यान आकर्षण उन केलों पर चला गया। कहे कि जाओ मेरे हिस्से के 2 केले ले आओ। बिंदु ने उठकर 2 केले ला दिए। चचा ने उकरू बैठे बैठे पैतरा बदला और केलों को मजे से छिलकर खाना प्रारंभ कर दिया। अच्छे बहुत मीठे केले हैं, बहुत अच्छे केले हैं। अब बिंदु जोर जोर से रगर बर्तन, चाचा छक्कन स्वयं को केले खा रहे हैं और बिंदु को कहते हैं जोर जोर से रगर, जोर जोर से बर्तन साफ कर, अभी चमक उठेंगे। अरे भैया, छुट्टन की अम्मा देखेंगी तो समझेंगे कि आज ही ने बर्तन खरीद लिए हैं। अब बिंदु से चाचा छक्कन ने कह रहे हैं कि यदि छुट्टन की मम्मी आएगी तो देखेगी तो समझेगी कि आज ही मियाँ जान ने बर्तन खरीद कर लाए हैं। हर लगे न फिट करी रंग चोखा आए। यानी कितने ही आए थी इमली, 2 पैसे की, तू ही तो खरीद कर लाया था ना बिंदु। फिर जो कुछ किया बिंदु, तुम अपने हाथों से किया। चाचा छक्कर ने बिंदु से कहते हैं कि तुम जो कुछ भी किया तुम अपने हाथों से किया। इमली लाया तुम अपने हाथों से लिया, बावर्ची खाने से राख लाया तुम अपने से लाया, बर्तन साफ कर रहे हो तुम टैंक से कर रहे हो, तुझसे आंख बचाकर हमने तो कुछ मिलाया भी नहीं। बस यह सब करामात किसकी है, तो इमली की है। यह सब करामात किसकी है, इमली की है। अब चचा ने कहा कि अब कै केले बाकी रह गए 10, इन 10 केलों का हिसाब बैठेगा किस तरह से, अब किस तरह से बैठाएंगे इसके बाद अगले प्रीवियस क्लासेज में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम चलेंगे कुछ कठिन शब्द की ओर। कठिन शब्द जो है उसे हम लोग लिखेंगे। मेरे बच्चों अपनी कॉपी निकाले और कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में लिखें शब्दार्थ। असमंजस, असमंजस।
बड़ी असमंजस की बात हो जाती है भाई। असमंजस शब्द का अर्थ होता है निर्णय न ले, ले निर्णय न ले पाने की दशा, पाने की दशा। मुनासिब, मुनासिब शब्द का अर्थ होता है उचित। मुनासिब शब्द का क्या अर्थ होता है? उचित। कै, कै शब्द का अर्थ होता है कितने। कै शब्द का क्या अर्थ होता है? कितने। तो ये आपके कठिन शब्द हुए। प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्नोत्तर एच डब्ल्यू में लिख लेंगे, जिसे आप जब वीडियो जाए आपके पास तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप अपने ग्रुप में डालेंगे। प्रश्न एक है, चचा छक्का ने, चचा ने आंगन में क्या जमा किए, आंगन में क्या जमा किए। प्रश्न संख्या दो लिखेंगे, चचा ने कितने केले खरीदे, चचा ने कितने केले खरीदे। क्वेश्चन नंबर थ्री लिखेंगे प्यारे बच्चों, फल वाला फल वाला क्या बेच रहा था, बेच रहा था। क्वेश्चन नंबर फोर लिखेंगे प्यारे बच्चों, असमंजस शब्द का, असमंजस शब्द का क्या अर्थ होता है, असमंजस शब्द का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव लिखेंगे, ऊर्जा का अच्छा स्रोत, ऊर्जा का अच्छा स्रोत किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत किसे कहा जाता है, तो केले का कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप पढ़ेंगे, पढ़कर सुंदर स्वर्ण अक्षरों में इसका उत्तर लिखकर अपने ग्रुप्स में भेजेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।